बच्चों, फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आप सभी को कंपाउंड मोटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सीरीज मोटर के बारे में डिस्कशन किया था, उसके पहले शंट मोटर के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं कंपाउंड मोटर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कंपाउंड मोटर देखिए यहाँ पर क्या है। तो कंपाउंड मोटर का ये देखिए डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ये कंपाउंड मोटर जो है, इसमें ये आर्मेचर वाला पोर्शन है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये भी फील्ड वाइंडिंग है, लेकिन ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये जो है शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये पैरेलली कनेक्टेड है आर्मेचर के साथ और ये सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर के साथ, ओके। और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ये ISC है, सीरीज फील्ड करंट, और RAC इसका सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है, IA आर्मेचर करंट है, ISH शंट फील्ड करंट है, ओके। तो ये शंट फील्ड करंट जो है ये पैरेलली, मतलब इस करंट ISH फ्लो कर रहा है और यहाँ का रेजिस्टेंस RSH है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस। यहाँ बैक EMF है आपका EB एंड V इज द अप्लाइड वोल्टेज, ओके। तो मतलब बोल सकते हैं कि इफ द आर्मेचर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल बोथ, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आपका कंपाउंड मोटर कहलाएगा, ओके। एंड इन दिस केस कंपाउंड मोटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, वन इज द शॉर्ट शंट कंपाउंड एंड अनदर इज द लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड मोटर। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जो मोटर है, इसमें देखिए क्या गया है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है शंट फील्ड वाइंडिंग, इसको डायरेक्टली कनेक्टेड किया गया है आर्मेचर के साथ, ठीक है। ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसको डायरेक्टली कनेक्टेड आर्मेचर के साथ किया गया है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में यहाँ पे क्या किया गया है, लॉन्ग शंट कनेक्शन में क्या किया गया है, इसमें देखिए ये जो आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है और पूरा जो है ये इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है, ओके। तो ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर कहलाता है, ठीक है। IL यूनो और लाइन करंट या लोड करंट बोलते थे, ISH जो है ये शंट फील्ड करंट है, RAC ये जो है शंट फील्ड सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है, IA है आर्मेचर करंट है, और EB इज द बैक EMF, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड मोटर, ओके, लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशंस, मेनली इसका कहाँ पे यूज किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ है, बिजनेस मशीन्स, सीयर्स, प्रेसेस, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, एगिटेटर्स, ठीक है। तो इन पांच, मतलब इन सभी जगहों पे आपका कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन यूज किया जाता है, ओके। तो ये आपका था कंपाउंड मोटर का डायग्राम और उसका कुछ दो टाइप्स का जो था कनेक्शन, और आप यहाँ पे क्या देखें, इसका एप्लीकेशन देखें, ओके। थैंक यू।